नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। कल जेडीयू के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी और जिस दौरान प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं जो बीते एक सप्ताह से करीब चल रही थी, वशिष्ठ नारायण सिंह जब से उनकी बातें सामने आई है कि वो पद छोड़ रहे हैं, तब से अब चर्चा ये चलने लगी कि अब रामसेवक सिंह जो कि पूर्व विधायक गोपालगंज के हथुआ से थे, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी। लवकुश समीकरण का ख्याल नीतीश कुमार लगातार रख रहे हैं, तो ऐसे में ये बात तो पहले से ही क्लियर थी कि नीतीश कुमार इस बार किसी कुशवाहा को ये महत्वपूर्ण पद जो है वह सौंपने वाले हैं। लेकिन अचानक जिस तरीके से कल ऐलान हुआ वह कहीं ना कहीं बेहद चौंकाने वाला था। रामसेवक सिंह की चर्चाएं तो काफ़ी तेज थी, लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष की नाम की घोषणा हुई तो उस वक्त नाम का ऐलान हुआ उमेश कुशवाहा। उमेश कुशवाहा कौन है? उमेश कुशवाहा जेडीयू के काफ़ी पुराने नेता हैं और वो महनार से विधायक रह चुके हैं। जेडीयू के विधायक 2015 में बने थे जब महागठबंधन की सरकार बनी थी। हालांकि इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। महनार से एक बार फिर से पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था, लेकिन इस बार आरजेडी की वीना सिंह ने उन्हें हरा दिया है। तो महनार के पूर्व विधायक उमेश कुशवाहा को इस बार जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तमाम नेताओं ने उन्हें बधाई भी दी है और उमेश कुशवाहा ने कई तरह के बड़े दावे भी कर दिए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उमेश कुशवाहा पर हत्या का आरोप लग चुका है? ये मामला ज़्यादा पुराना नहीं है, जब वो विधायक थे और यह 2018 की घटना है। 2 अगस्त को प्रखंड प्रमुख, जंदाहा के प्रखंड के प्रमुख बने थे मनीष सहनी। मनीष सहनी रालोसपा के नेता थे, जिला के सचिव थे और वह प्रखंड के प्रमुख बने थे और ठीक 10 दिन बाद उनकी हत्या हो गई थी। जब वह 13 अगस्त को वीडियो ऑफिस से ब्लॉक से बाहर निकल रहे थे, वीडियो से मिलकर बाहर निकल रहे थे, तभी अपराधियों ने उन पर गोली चला दी थी। घटना में वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें इलाज के लिए हाजीपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर उनकी हालत बिगड़ने के बाद पटना रेफर कर दिया गया। लेकिन पटना लाने के क्रम में ही उन्होंने दम तोड़ दिया और इस घटना को लेकर काफ़ी बवाल शुरू हो गया। बवाल इसलिए शुरू हुआ क्योंकि इस घटना में मुख्य अभियुक्त जो है वह बनाए गए जेडीयू के विधायक उमेश कुशवाहा, जो अभी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। मृतक मनीष सहनी के भाई ओम प्रकाश सहनी ने उमेश कुशवाहा समेत 11 लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया, उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया। जंदाहा थाने में ये मामला दर्ज कराया गया और हालांकि इस मामले को लेकर काफ़ी बदनामी नीतीश कुमार को हुई, क्योंकि इस मामले को लेकर उपेंद्र कुशवाहा जो उस वक्त केंद्रीय राज्य मंत्री थे, उन्होंने सरकार को खूब घेरा, क्योंकि बात रालोसपा नेता की हत्या की थी तो उन्होंने सरकार को खूब घेरा, खूब प्रहार किया। इस मामले को लेकर बिहार में सियासत तेज हुई और हालांकि अब इस मामले से उमेश कुशवाहा मुक्त कर दिए गए। उन्होंने आरपीडीपीट जब 2020 के चुनाव के लिए भरा था तो उसमें इस मामले का जिक्र उन्होंने कहा और किया। उसमें उन्होंने ये भी बताया कि आईओ ने इस मामले में किसी भी तरह का कोई रिपोर्ट उनके खिलाफ नहीं सौंपा है। तो यह मामला जहां एक तरफ चल रहा है, वहीं अब उमेश कुशवाहा जो हैं प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है वह कहीं ना कहीं बेहद चौंकाने वाला फैसला है, क्योंकि लगातार लोग ये कह रहे थे कि इस बार जो है रामसेवक सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे और इस बार ये तय माना जा रहा था कि किसी कुशवाहा को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा को ही बनाया गया, लेकिन जो चर्चाएं थी वो चर्चाओं पर विराम लगाते हुए यह पद उमेश कुशवाहा को सौंप दिया गया। उमेश कुशवाहा के ऊपर जो आरोप लगे हैं इसको लेकर अभी भी कई विपक्षी नेताओं ने उन्हें घेरा है और देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं। उमेश कुशवाहा ने पद संभालते हैं, जैसे उनके नाम का ऐलान हुआ उन्होंने ये कह दिया कि वो सामाजिक न्याय को लेकर काम करेंगे, सामाजिक न्याय का विशेष ख्याल रखेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार इसी मूल मंत्र पर काम करते हैं। अब जो कुछ भी होगा, तमाम अपडेट्स हेडलाइंस के आप तक पहुंचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।